हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी आके हम लोग भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हम लोग अभी खड़े हैं। और ट्रेन आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आके लग चुका है, जो कि इंटरसिटी एक्सप्रेस है, भुवनेश्वर से राउरकेला जाएगा। 1:40 इसका राइट टाइम था और आके पहुँचा 1:50 के आसपास। और अभी क्लीनिंग चल रहा है, आई थिंक 2:10 या 2:20 हो जाएगा छूटते हुए। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और राउरकेला पहुंचने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूं। राइट टाइम 9 बजे है और देखते हैं 9 बजे पहुंचता है कि नहीं। जो भी अपडेट होगा मैं आपको देते जाता हूं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी आके हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जो अपना इंटरसिटी ट्रेन है वो आएगा। अभी तो एक मालगाड़ी निकल रहा है और इसके बाद 1:45-1:50 दिखा रहा है जब आके अपना इंटरसिटी पहुंचेगा। और राइट टाइम था वो एक्चुअली आके कम से कम 1 बजे तक पहुंच जाता है, फिर क्लीनिंग होता है और उसके बाद 1:40 को निकलता है। लेकिन देखिए अभी आ रहा है, अभी 1:50 हो गया। अब देखिए सामने इंटरसिटी ट्रेन अभी आके पहुँच गया है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो चलिए उसके बाद आई थिंक इमीडिएटली तो हमें चढ़ नहीं सकते, क्लीनिंग होगा, क्लीनिंग के बाद हम लोग चढ़ेंगे। तो लगभग 2:30 बज जाएगा, अभी तो 1:50 हुआ है, 2:30 बज जाएगा। इस ट्रेन में मैं पहले भी जा चुका हूँ लेकिन कभी 3rd AC में नहीं गया था। AC चेयर कार यूजुअली हम लोग जाते थे, तो अभी 3rd AC का फैसिलिटी है तो चलो आराम से सो के हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि रात भर हमने सोया नहीं है तो हमें 3rd AC में आराम से सोने को मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखिए एक ही 3rd AC बॉगी है, थोड़ा और साफ़ सुथरा हो सकता था, गंदगी थोड़ी दिख रही है। और अंदर चलते हैं और ये देखिए वॉश बेसिन, वॉशरूम ठीक ठाक है और ज़्यादा क्लीन हो सकता है। यह हमारा 3 बर्थ हमने लिया हुआ था, अपर मिडिल एंड लोअर तीनों मिल गया था। और ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं, हम लोग लंच करके आए हुए हैं, सीधा सो जाएंगे थोड़ी देर में सीट ऊपर करके। और इस बॉगी में बाकी 2 चेयर कार भी है AC वाले, और बाकी नॉन AC के 5 हैं और जनरल बॉगी 3 हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। A few moments later. So, अभी संबलपुर 7 बजे पहुंचा और अभी निकल रहा है। संबलपुर का मेन स्टेशन नहीं जाता है, ये उसका आउटस्कर्ट में एक संबलपुर सिटी बोल के एक स्टेशन है, छोटा सा है, ये बाईपास करते हुए उसी से ही जाता है, ये देखिए। और 2 मिनट का स्टॉपेज है लेकिन 1 मिनट रुका क्योंकि लेट हो चुका है काफ़ी, ये देखिए। अभी 7:55 हुआ है और हम लोग झारसुगुड़ा पहुंच चुके हैं और यहां से लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, तो 9:30 बजे तक पहुंच सकते हैं। और आज पर अभी तक का ट्रैकिंग के हिसाब से अभी बता रहा है कि 9 बजे तक पहुंचा देगा, देखते हैं कवर अप कर सकता है कि नहीं, नहीं तो 9:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएँगे राउरकेला स्टेशन। एक बार राउरकेला पहुँचने के बाद मैं आपको बाकी अपडेट देते जाऊँगा। तो अभी 10:05 हुआ है और अभी आके राजगमपुर पहुंचा है और यहां से और आधा घंटा लगेगा राउरकेला पहुंचने में, तो लगभग 10:35 हो जाएगा और घर पहुंचते 11 बज जाएगा। तो आज काफ़ी लेट कर दिया, एक
एक मैरिज फंक्शन भी अटेंड करना था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया। मैंने सोचा अगर 9:30-10 बजे तक पहुंचता हूं फिर भी चला जाऊंगा। एक दोस्त का भाई का शादी था, लेकिन अभी डाउटफुल लग रहा है। तो चलिए, राहुल किला पहुंच के मैं आपको एक क्लोजिंग वीडियो दे दूंगा। चलिए अभी चलते हैं। बाहर काफ़ी ठंड है, लाइन क्लियर नहीं है, तो और टाइम लग जाएगा, पता नहीं कितना लगेगा। 9 बजे राइट टाइम था, लगभग 1.5 घंटा लेट हो चुका है, और कितना लेट होगा पता नहीं। तो चलिए चलते हैं, जो होगा आगे अपडेट मैं आपको देते जाता हूँ। A few moments later, 11:30 बजे और फाइनली हम लोग आके राहुल किला स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। भैया आया था पिकअप करने के लिए गाड़ी लेके, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगा। वो देखिए आगे भैया जा रहा है एक बैग लेते हुए। तो चलिए चलते हैं, और बाकी कल सवेरे एक क्लोजिंग वीडियो में बना दूंगा कि कैसा रहा सफ़र उसके बारे में। भाई गाड़ी लेने गया है, और क्या ठंड है बाहर 11:30 बजे रात को। हम लोग बेंगलोर में सर्दी रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सर्दी नहीं, यहाँ तो काफ़ी कड़ाके की सर्दी पड़ी है इस बार। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी आके हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं। कल जब पहुँचे भाई रात को 11:30 बजे आके पहुँचा ट्रेन, और भैया गया था पिक करने के लिए। घर आके पहुँचे 12 बजे, 12 बजे अभी खाके सोते सोते पूरा 12:45 हो गया, इसलिए मैंने क्लोजिंग वीडियो और अच्छे से बना नहीं पाया। और कल स्टेशन में उतरने के बाद इतना सर्दी लगा, राहुल किला में क्या सर्दी है, आप तो टोपी देख लीजिए। अभी 9:30 होने को है, फिर भी मैं टोपी पहना हुआ हूँ, बहुत सर्दी लग रहा है। और एक चीज़ बोलना था यार कितना, मतलब यहाँ से भुवनेश्वर से राहुल किला मुश्किल से 7-8 घंटे का जर्नी है, उसको भी अगर आप 9-10 घंटे का जर्नी बना दोगे तो कोई मतलब नहीं रहता है सुपरफास्ट ट्रेन का। और काफ़ी इनकन्वीनियंस होता है ऐसे लोगों को। मेरे हिसाब से ना, जो अपने रेलवे मिनिस्टर हैं उनको कुछ प्रोविज़न लाना चाहिए, अगर ट्रेन लेट होता है, सपोज़ 1 घंटा लेट हुआ, तो उनको कुछ कॉम्पनसेशन देना चाहिए वापस यात्रियों को, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, और जो कोई काम से कोई जा रहा होगा उसका वो कनेक्टिंग होगा कुछ सब मिस हो जाता है, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ज़रूरी है। 2.5 घंटा लेट इंटरसिटी, 400 किलोमीटर का दूरी आप जा रहे हो, उसमें भी 2.5 घंटा लेट कर देते हो, तो पूरा पर्पस बीट हो जाता है ट्रेन में आने का। तो छोटा सा चीज़ है, आई थिंक सबके साथ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यो माई ट्रैवलर्स को, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।